भारत में चाय यानी पानी, चीनी और दूध के साथ चाय का एक मिश्रण है। कई टी बेस्ड स्टार्टअप के आने से व्यवसाय फल फूल रहे हैं। इतना ही नहीं, इसी चाय के स्टार्टअप से कई लोग लखपति और करोड़पति बन गए। चलिए हम आपको बताते हैं ऐसे 5 स्टार्टअप के बारे में जिन्होंने चाय के बिजनेस में लाखों करोड़ों कमाए। ये वो चाय वाले हैं जिन्होंने चाय की दुकान खोलकर किया लाखों करोड़ों का बिजनेस। बिलोर हालांकि चाय बेचने के कारोबार में है और उनकी कंपनी को MBA चाय वाला कहा जाता है। उन्होंने इसे 2017 में शुरू किया था और वित्त वर्ष 2019-20 में 3 करोड़ रुपए का कारोबार किया। नमस्कार, मैं मीरा पांडे और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। अगर आप जीवन में कुछ अलग करने की ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं। प्रफुल्ल बिलोर MBA करना चाहते थे और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहते थे। प्रफुल्ल जो अब अहमदाबाद में रहते हैं और पूरे देश में MBA चाय वाले के नाम से मशहूर हैं। बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने भोपाल, श्रीनगर, सूरत और दिल्ली सहित 100 से अधिक शहरों में अपने कारोबार का विस्तार किया है। अब साल के अंत तक 100 और जगहों में फ्रेंचाइजी खोलेंगे। इससे कम से कम 500 लोगों के लिए रोजगार पैदा करने की योजना है। जिस तरह से आपने अपने 20s बिताए हैं, आप अपने 30s को भी उसी तरह बिताना चाहोगे कि कम काम करना चाहोगे? काम में बहुत करना, मैं अंतिम सांस तक काम करना चाहूँगा। काम बढ़ाना चाहोगे? काम बढ़ेगा और जिम्मेदारियां लेना चाहते, फोल्डिंग हैंड्स, और कुछ करते रहना चाहते, कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ सोसाइटी के लिए, खुद के लिए। खुद भी कैपेबल बनूंगा और लोगों को भी कैपेबल। देखो वो बोलते हैं कि आप खुद तो पहले कुछ कर लो, खुद 2 रुपया कमाओगे तो किसी को 2 पैसा दान कर पाओगे या 2 पैसे की मदद कर पाओगे। आप बिना हार्ली खाली हाथ से आप कैसे लोगों की मदद करोगे? मैं अपनी अंतिम सांस तक काम करना चाहता हूँ और मैं कुछ सालों के बाद तो सच में देश का हो जाऊँगा। मुझे सच में चेंज करना है रूरल इंडिया को। हर स्टार्टअप घर घर स्टार्टअप की बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि घर से एक आदमी निकले जो कुछ। अमूलेख सिंह विजराल द्वारा 2010 में स्थापित चाय पॉइंट माउंटेन ट्रेड फूड प्राइवेट लिमिटेड का हिस्सा है। भारत में पहला चाय स्टार्टअप है जो हर दिन 3 लाख से अधिक कप बेचने का दावा करता है। यहां कामकाजी पेशेवर फ्रेश व गर्म चाय परोसते हैं। कंपनी के देश भर में 100 से ज्यादा आउटलेट हैं। अमूलेख सिंह विजराल में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से MBA की पढ़ाई की है। अमूलेख का कारोबार वित्त वर्ष 2018 में 88 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2020 में 190 करोड़ रुपए हो गया। चायों से सुबह से के समय एक स्वस्थ नाश्ते के साथ एकदम गर्मा गर्म चाय देता है, जो IITN नितिन सलूजा और राघव वर्मा द्वारा स्थापित चायस को 2012 में अपने उपभोक्ता को एक ताजा कस्टम मेड चाय परोसने के उद्देश्य से बनाया गया था। कंपनी ने साइबर सिटी गुड़गांव में अपना पहला आउटलेट खोला। अब दोनों 6 शहरों में 190 स्टोर चला रहे हैं और 2022 के अंत तक 100 और जोड़ने की योजना बना रहे हैं। वे मेहमानों को 80,000 प्लस से अधिक कस्टमाइजेशन ऑप्शंस में तेजी से अपने ताजा चाय को पर्सनलाइज्ड करने देते हैं। इसमें हरी मिर्च और आम पापड़ चाय के साथ परोसते हैं। क्विक बाइट चाय और भोजन जैसी कुछ अनूठी रेसिपी शामिल है। स्टेटसा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 में चायोस का राजस्व लगभग 1,000 करोड़ रुपए था।
अनुभव दुबे ने अपने पहले सीए और बाद में यूपीएससी में हाथ आजमाया, लेकिन असफल रहे। फिर उन्होंने एक उद्यमी बनने का फैसला किया। 2016 में दुबे ने अपने दोस्तों आनंद नायक और राहुल पाटीदार के साथ इंदौर में एक गर्ल्स हॉस्टल के बाहर एक चाय कैफे सीरीज चाय सुट्टा बार खोली। उन्होंने कुल्लर में सबसे पर्यावरण के अनुकूल तरीके से चाय परोसना शुरू किया और धीरे धीरे अन्य स्वादों जैसे कि अदरक चाय, चॉकलेट चाय, मसाला चाय, इलायची चाय, तुलसी चाय, केसर चाय आदि को अपने मेन्यू में शामिल किया। तो अगर 20-22 साल के लौंडे ना अगर ये स्टार्ट कर सकते हैं 3 लाख से, और 3 लाख से ले जाके 100 करोड़ रुपए तक का धंधा कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कोई भी कर सकता है। कोई तो बड़ी चीज नहीं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जिगरा आपके अंदर होना चाहिए डिसीजन लेने का, काम करने का। मैं नहीं बोलता कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम तो हर जगह आती है यार। आपको लगता है कि आपकी भी लाइफ वैसी है कि स्ट्रगल वाली है, स्ट्रगल को सक्सेस स्टोरी में बदलना है ना तो आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। पंकज जजवारा 2014 में स्थापित चाय ठेला देश भर में 35 आउटलेट्स के साथ 9 राज्यों में अपने ग्राहकों के लिए कुछ स्नैक्स के साथ स्वस्थ और घर का बना चाय की किस्में परोसता है। अपने पहले उद्यम में विफल होने के बाद पंकज जजवारा अपना दूसरा उद्यम चाय ठेला की स्थापना 3 दोस्तों तरनजीत सपरा, पीयूष भारद्वाज और विस्तृत सिंह से प्राप्त सीड फंड्स के साथ की। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ।